नमस्कार दोस्तों, 18 जुलाई के बाद एक दावा करने वालों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। बहुतों का कहना है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को 2024 में हरा देगा। इस दावे की हकीकत तक पहुंचने के लिए आप केवल दो तस्वीरों पर ही गौर कर लीजिए, यह समझ में आ जाएगा कि अभी इंडिया गठबंधन में बहुत सी ऐसी दरारें हैं जिनको भरा जाना बाकी है। कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है, लेकिन इस प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही इंडिया गठबंधन के दलों में दरार नजर आने लगी है, मतभेद नजर आने लगे हैं, दूरी नजर आने लगी है, गैप नजर आने लगे हैं। बात इतनी बड़ी कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीनियर नेता जयराम रमेश ने नाराज दलों के नेताओं से माफी मांगी। सोनिया गांधी को बीच में आना पड़ा। सोनिया गांधी संजय सिंह के धरने पर भी गई। बगैर सभी की सहमति के कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर्स को, टॉप लीडरशिप को यह तक कहना पड़ा। सोनिया गांधी तक को बीच में आना पड़ गया तो जाहिर सी बात है, बात गंभीर ही हुई है। हुआ यूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर एक सहमति बनी थी, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव को कांग्रेस के सांसद ने पेश कर दिया। इस पर तृणमूल, सपा, शिवसेना का, उद्धव गुट, वाम दल, द्रमुक और भी कई सारे जो दल है उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। दरअसल आपको याद होगा, टीएमसी की सलाह पर मंगलवार को एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पर सहमति बनी थी। तय हुआ था कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूरी हो जाए संसद में आकर जवाब देना। जब नरेंद्र मोदी संसद में आएंगे, बोलेंगे तो उनको मणिपुर पर भी बोलना ही पड़ेगा। संसद में कही गई बात ऑन रिकॉर्ड होती है, इसीलिए वो राजनीतिक भाषण की बजाय कुछ ठोस बातें करेंगे, यह उनकी मजबूरी होगी बातें करना मणिपुर पर। और दूसरी बात, संसद की पूरी कार्रवाई को लेकर पूरा देश देख रहा है, पूरा मीडिया जगत इसकी बड़ी मेगा कवरेज करने वाला है, इसीलिए विपक्ष को एक बड़ा मंच मिल जाएगा देश की जनता तक पहुंचने के लिए। लेकिन बुधवार को इंडिया गठबंधन के दलों के बगैर, उनको साथ लिए बगैर, कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने अकेले ही अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। इससे नाराज दलों का कहना है कि एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए, नोटिस देने के लिए सभी दलों को एक साथ जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। अगर कांग्रेस अभी ऐसा कर रही है तो बाद में क्या करेगी, चुनाव के बाद क्या करेगी? क्या कांग्रेस के पास कोई बी प्लान भीतर ही भीतर पल रहा है? इसीलिए यह बड़ा सवाल उठा कि क्या कांग्रेस सभी को एक साथ लेकर चलना चाहती है या चलना नहीं चाहती है। मैं दो बातों पर हमेशा बात करता रहता हूं। पहली, कांग्रेस इस वक्त राजनीतिक तौर पर बहुत ही ज्यादा मजबूर है। कांग्रेस के सारे बड़े लीडर्स चिंता में है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर केस चल रहे हैं, सांसदी राहुल गांधी की जा चुकी है। इसी मजबूरी में वो अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी तक को सहन कर रही है। राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर एक ही तरीके से बचाया जा सकता है, किसी भी तरीके से बीजेपी को सत्ता से हटाकर, बीजेपी की सत्ता में वापसी को रोककर। लेकिन कांग्रेस का यह सपना सच होता हुआ बहुत दिखता नहीं है। अभी एक सर्वे आया है, टाइम्स नाउ ETG का यह सर्वे बताता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कमाल की बढ़त मिल सकती है, 7 सीटें तक मिल सकती है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से कांग्रेस के वोट बैंक पर खड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी एक इंच भी आगे बढ़ती है तो यह मानना चाहिए कि वो कांग्रेस की जमीन को खींचकर ही आगे बढ़ेगी, कांग्रेस के वोट बैंक की कीमत पर ही आगे बढ़ेगी। आप इस बात को और गहराई से देखिए, आप ध्यान दीजिए, अरविंद केजरीवाल धारा 370 जम्मू कश्मीर से वो हटाने का जो मसला है उस पर अभी भी बात होती है बार बार, और देश में UCC को लागू करने का जो मुद्दा है इस पर अरविंद केजरीवाल बीजेपी के साथ रहते हैं। सैद्धांतिक तौर पर, राजनीतिक नीतियों के तौर पर, वैचारिक तौर पर और धर्म की राजनीति के तौर पर अरविंद केजरीवाल बहुत हद तक बीजेपी के पास खड़े हुए दिखते हैं। और अरविंद केजरीवाल बीजेपी के पास खड़े हुए दिखते हैं, ये इससे भी साबित होता है कि वो बीजेपी के वोट बैंक को नहीं खींचते, वो कांग्रेस के वोट बैंक को तोड़ते हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ रहेंगे, इस पर एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि
2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ रहेंगे? क्यों रहेंगे? अगर कांग्रेस ताकतवर होती है तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति कमजोर होती है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जितनी भी सीटें 2024 में पाएंगे वो कांग्रेस के किसी काम आएगी, इस पर शक किया जाना चाहिए। इस पर शक करने की बहुत सी वजह है। इसके बाद भी कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हुई है, यह सत्ता में भागीदारी की कांग्रेस की आखिरी लड़ाई है। टाइम्स नाउ ETG सर्वे कहता है कि बीजेपी और उसके सहयोगियों को 2024 में 285 से 325 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 111 से 149 सीटें मिलने का अनुमान है, TMC को 20 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी को 4 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी तरीके से अन्य दलों के लिए भी सर्वे में बहुत से आंकड़े हैं, आप इंटरनेट पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन एक आंकड़े पर सबसे ज्यादा गौर किया जाना चाहिए और वो है अरविंद केजरीवाल को मिलने वाली संभावित सीटों का आंकड़ा। केजरीवाल इस चुनाव में 7 सीटें तक पा सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर वो 7 सीटें पाएंगे तो कितनी सीटों पर समीकरण बिगाड़ेंगे, यह बहुत समझने वाली बात है। लोकसभा का चुनाव 20-25 सीटों का कुल खेल है और अरविंद केजरीवाल कितनी सीटों पर खेल बिगाड़ सकते हैं, यह बहुत ही समझने वाली बात है। यह सीधी सी कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। इस साल के शुरू में इंडिया टुडे ने भी एक सर्वे किया था जिसमें उस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उस सर्वे में भी NDA की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया था। NDA को 298 सीटें आने का अनुमान जताया गया था, UPA को 153 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। यानी तब से लेकर अब तक सर्वे के हिसाब से देखें तो NDA मजबूत ही दिखती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप यह मानिए कि यह तो अनुमान ही है, असली तस्वीर तो 2024 में वोटिंग के बाद ही सामने आएगी। लेकिन अभी यह तो साफ सी बात है कि कांग्रेस सत्ता के लिए हर तरह का कॉम्प्रोमाइज कर रही है और उसकी यह मजबूरी भी साफ साफ दिख रही है। मैं मानता हूं कि इंडिया गठबंधन में शामिल बहुत से दल 2024 में चुनाव के बाद बीजेपी के साथ आ सकते हैं, या बीजेपी के साथ भी नहीं आएंगे तो कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट कर यह जरूर बताइए। नमस्कार, मैं योगेश राणा।